फ्रेंड आज गरीना टीम की तरफ से बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है फ्री फायर को लेकर। ये फ्री फायर की अपडेट एक ऐसी अपडेट है कि इस अपडेट के बाद अपने फ्री फायर के अंदर फिर से बहुत बड़ा तहलका मचने वाला है, यानी कि अपने फ्री फायर का क्रेज बहुत ही ज्यादा फिर से बढ़ने वाला है। जितने बंदे यहाँ पर फ्री फायर गेम को छोड़कर जा चुके हैं, जो बंदे फ्री फायर गेम को नहीं खेल रहे हैं, वो सारे के सारे बंदे फ्री फायर गेम को फिर से खेलना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ तक कि जो बीजी माई या फिर पबजी जैसे या फिर माइनक्राफ्ट जैसे जो गेम खेलते हैं बंदे, वो लोग भी अपना गेम छोड़कर फ्री फायर पर आ जाएंगे। जैसे फ्री फायर का क्रेज बहुत टाइम पहले 2020 में 19 के टाइम पर था, हर गली गली में फ्री फायर गेम खेला जाता था, उसी तरीके से उससे भी ज्यादा इस टाइम गदर होने वाला है अपने फ्री फायर के अंदर। क्योंकि गरीना टीम ने एक बहुत ही बड़ा अपडेट निकाल दिया है फ्री फायर के अंदर, जिसको देखने के बाद गाइस ये सब कुछ होने वाला 100% है। तो गाइस यार वो अपडेट क्या है, गरीना टीम ने क्या अपडेट निकाला है फ्री फायर के अंदर, वो भी मैं आप लोग को इस वाली वीडियो में बताऊंगा। एंड साथ ही बताऊंगा कि अपना फ्री फायर अपने प्ले स्टोर पर कब तक रिटर्न आएगा एंड कब तक अनबैन होगा, ये भी मैं आप लोग को कंफर्म बता दूंगा। तो वीडियो यार काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए। सही बात। तो यार वीडियो के एंड तक बने रहना, सब कुछ फुल डिटेल में यहाँ पर मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी लेकिन आप लोग को बिल्कुल कंफर्म इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। चलिए यार वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर जैसा कि आप लोग को पता होगा, जब हम लोग का फ्री फायर आया था 2017 में, उसके बाद 18-19 छोड़कर जब हम लोग का 2020 आई थी, उस टाइम लगा था लॉकडाउन। ठीक है, लॉकडाउन के टाइम पर गाइस हर कोई बंदा फ्री था, बच्चे ज्यादातर फ्री थे, तो उस टाइम अपने फ्री फायर गेम का जो क्रेज था गाइस वो बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ गया था। मतलब कि हर गली हर घर में आप लोग को फ्री फायर गेम खेलते हुए दिखता था, मतलब कि ज्यादातर अपने इंडिया में फ्री फायर गेम खेला जाता था, और पूरे के पूरे सोशल मीडिया पर चारों तरफ ये खबर फैल चुकी थी कि भाई बहुत तेजी से ये फ्री फायर गेम बहुत ही बड़ा गेम हो चुका है, पॉपुलर गेम हो चुका है, हर कोई फ्री फायर गेम को खेलता है, मतलब कि बहुत बड़ा क्रेज हो चुका था अपने फ्री फायर का। बट गाइस अभी के टाइम पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, फ्री फायर गेम को ज्यादा लोग इस टाइम नहीं खेल रहे, क्योंकि उसका रीजन सिर्फ यही है कि फ्री फायर बैन हो चुका है, प्ले स्टोर पर से हट चुका है, एंड न्यू अपडेट भी नहीं आ रहा है, न्यू इवेंट भी नहीं आ रहे हैं ज्यादातर। एंड इसके अलावा और बहुत सारे बंदों की फ्री फायर आईडी भी बैन कर दी गरीना टीम ने, आप लोग को पता होगा। तो इसी को देखते हुए गाइस यहाँ पर बहुत सारे बंदे डीमोटिवेट हो रहे हैं, इंडिया के बंदे जितने भी बच्चे हैं सारे के सारे डीमोटिवेट हो रहे हैं जो फ्री फायर गेम को छोड़ रहे हैं। तो इसी को देखते हुए यार गरीना टीम ने बहुत ही बड़ा अपडेट निकाल दिया अपने फ्री फायर के अंदर, जिससे कि सारे के सारे बंदे वापस आ जाएंगे एंड बहुत ही बड़ा क्रेज फ्री फायर का फिर से अपने इंडिया सर्वर पे हो जाएगा। तो गरीना टीम ऐसा क्या अपडेट करने वाली है वो मैं आप लोग को यहाँ पर सबसे पहले बता देता हूँ। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। गाइस आप लोग को पता होगा अभी जब से हम लोग का फ्री फायर बैन हुआ है, प्ले स्टोर पर से हटा दिया गया, जब से अपने फ्री फायर गेम को खेलने वाले बंदे बहुत ज्यादा कम हो गए, तो इसको देखते हुए गरीना टीम ने सबसे पहले छोटा सा दिमाग लगाया था। दिमाग ये लगाया था कि अपने इंडिया में बीटीएस का इवेंट लेकर आया, जिसके अंदर आप लोग को 7 बंडल दिखने को मिलने होंगे, जिसके अंदर एक बंडल आप लोग को बिल्कुल फ्री में भी मिला। जी फ्रेंड आप लोग को पता होगा बहुत सारे बंदों ने गेम खेल के टोकन कलेक्ट किए 100, और उस 100 टोकन से एक बीटीएस का टोकन निकाला, उसे स्पिन किया और एक बंडल बिल्कुल फ्री में मिला। यहाँ पर बहुत सारे बंदों को आप लोग को पता होगा, लेकिन वही बंडल वही बीटीएस का टोकन गाइस डायमंड से भी मिला है। आप लोग को पता होगा कैलेंडर में जाकर देख लो, 2000 डायमंड स्पेंड करने पे भी मिला है, मोको स्टोर इवेंट पे मिला है, फेडेड व्हील में भी मिला है, एंड गाइस लास्ट में जो लक्की व्हील इवेंट आया गाइस उसके अंदर एक डायमंड के ऊपर भी वाला बीटीएस का टोकन मिला है। मतलब कि यहां पर ग्रेना ने थोड़ा सा दिमाग लगाया था कि ये बीटीएस का बंडल लोगों को डायमंड में भी देंगे एंड फ्री में भी देंगे। डायमंड में इसलिए देंगे उनको थोड़ा सा प्रॉफिट होगा, उनको थोड़ा सा फायदा होगा, लोग डायमंड परचेस करेंगे तो उनको पैसा मिलेगा, लेकिन वहीं पर फ्री में इसलिए ये बंडल दिया है ताकि फ्री फायर गेम छोड़कर यहाँ पर से ना जाए, इसलिए बच्चों को गेम खेलने पर बीटीएस का टोकन दिया है, और वहां पर बच्चे आए भी। जितना बंदे भाग रहे थे फ्री फायर गेम को छोड़कर डीमोटिवेट हो रहे थे, वहीं पर बीटीएस के बंडल देखकर गाइस यहाँ पर बहुत सारे बंदे फ्री फायर के अंदर वापस आए और वहां पर फ्री फायर गेम को खूब दबाकर खेला ताकि उनको 100 टोकन मिले एंड वो बीटीएस के बंडल को परचेस कर पाए। इसी हिसाब से गरीना टीम ने एक और बहुत ही बड़ा दिमाग लगा लिया है कि अब आप लोग को आने वाले एक मंथ के अंदर ही अंदर जब अपना फ्री फायर प्ले स्टोर पर आ जाएगा, वहां पर से जब आप लोग उसको अपडेट कर लोगे, तो वहीं पर गाइस लेजेंडरी इमोट एंड लेजेंडरी गन स्किन वगैरह ये आप लोग को बिल्कुल फ्री में देने वाली है। जो कि अभी तक ग्रीना ने लेजेंडरी इमोट लेजेंडरी गन स्किन वगैरह बिल्कुल फ्री में नहीं दी है, लेकिन अब ग्रीना बिल्कुल फ्री में देगी। और जो एयर ड्रॉप वगैरह आते हैं गाइस महंगे महंगे आते हैं, 200 250 300 का आते हैं, वो भी गाइस 10 वाला भी आएगा एंड 30 वाला ज्यादातर आया करेंगे अब। और ओपी ओपी से इवेंट जो वेव इवेंट आया करेंगे गाइस, उसके अंदर आप लोग को कम से कम डायमंड में स्पिन करने पर रिवॉर्ड मिला करेंगे, एंड जो हम लोग का फेडेड व्हील होता है गाइस आप लोग को पता होगा पहले हम लोग को फ्री का स्पिन देखने को मिलता था, वो अभी के टाइम पर फ्री का स्पिन देखने को नहीं मिल रहा था, लेकिन गाइस वो फ्री का स्पिन भी अब आप लोग को देखने को मिलेगा अपने फ्री फायर के अंदर। मतलब कि कुछ टाइम के लिए फ्री फायर पहले की जैसा जो लोग बना देंगे ओपी ओपी से रिवॉर्ड लाएंगे कम से कम डायमंड में, जिससे कि अपनी फ्री फायर ऑडियंस जितनी डीमोटिवेट हो चुकी जो फ्री फायर गेम को छोड़कर जा चुकी है वो सारी की सारी रिटर्न आएगी।
इसीलिए जो गरीना ने इतना बड़ा अपडेट दिया है। और गरीना टीम का जो खुद का कहना है कि अपने फ्री फायर गेम को पहले से ज्यादा बेहतर बना के रहेगी अपने इंडिया में, क्योंकि इंडिया में सबसे ज्यादा कमाई की है गरीना टीम ने, बाहर के जितने भी सर्वर है उन सबसे ज्यादा कमाई जो की है अपने इंडिया में ही की है, तो अपने इंडिया में फ्री फायर वापस लाएगी एंड जो इसका क्रेज वो फिर से बढ़ाएगी। तो ये अपडेट निकल कर गाइस आया था जो कि मैंने आप लोग को यहाँ पर फुल डिटेल में बता दिया है। बाकी अभी मेन पॉइंट की बात कर लेते कि यार आप लोगों में से जिन्हें कितने बंदे ये कमेंट करते थे तो भाई फ्री फायर अनबैन कब होगा, फ्री फायर प्ले स्टोर पर कब आएगा। तो गाइस इसके बारे में मैं आप लोग को पहले तो बता ही चुका हूँ कि 25 से 30 अप्रैल के बीच में इसकी सुनवाई होगी। जितने भी बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले होते हैं वो 25 से 30 अप्रैल के बीच में ही हो जाएंगे, लेकिन अभी इसकी जो कंफर्म डेट निकल कर आ रही है वो है 28 अप्रैल। जब फ्रेंड आप लोगों ने सही सुना, 28 अप्रैल को फ्री फायर की सुनवाई होगी, भाई अनबैन होगा या फिर पूरी तरीके से बैन हो जाएगा, वो अपडेट निकल कर आएगी 28 अप्रैल को, ठीक है। तो 28 अप्रैल वाले दिन जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसको देखना आप लोग भूल ना जाना, क्योंकि उस दिन पूरा फैसला हो जाएगा फ्री फायर अपना बैन होगा या फिर अनबैन होगा। और यहां तक कि मैं पहले आप लोग को एडवाइस में बता दूं, गरीना टीम ने पूरा सब कुछ अपना कर लिया है, मतलब कि फ्री फायर पूरी तरीके से अनबैन होने वाला है। गुड न्यूज आप लोग को 28 अप्रैल को देखने को मिल जाएगी। तो फटाक से चैनल को अभी से सब्सक्राइब करो, आप लोग को लाल वाला बटन दिख रहा होगा उसको दबाओ एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करो ताकि फ्री फायर की कोई भी अपडेट एंड कोई भी न्यूज निकल कर आए उसकी वीडियो मैं बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, क्योंकि आपका एफ गेमर भाई फ्री फायर की कोई भी अपडेट कोई भी न्यूज लाता है गाइस बिल्कुल परफेक्ट लाता है और आप लोग को सबसे पहले बताता है। तो चलिए फ्रेंड यार आज की वीडियो में इतना था जो कि मैंने आप लोग को फुल डिटेल में यहां पर बताया, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।